हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर खुश और स्वस्थ होंगे। बेटा, मैं आपकी अध्यापिका सुदेश कुमारी फ्रॉम GGPS बडगांव ब्लॉक सोनीपत। आज मैं आपको जरोखा पाठ्य पुस्तक कक्षा तीसरी का पाठ 9 बात पत्तियों की से संबंधित जानकारी प्रदान करूँगी। ठीक है बेटा, आप सबके घरों में भी भिन्न प्रकार की सब्जियां बनती होंगी। बनती है ना सभी के घरों में? क्या आपको उन सब्जियों को उगते हुए देखा है और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आपको पता है? अगर पता है तो ठीक है बेटा, मैं आपको उस बारे में कुछ जानकारी प्रदान करूंगी। तो बेटा ये देखो, ये क्या है? करेला। क्या है बेटा? ये करेला। और देखो ये इनकी पत्तियाँ कटा हुआ घुमावदार है ना, दिख रही है ना इनकी पत्तियाँ? हाँ, तो बेटा करेला खाने में बहुत कड़वा होता है, परंतु इसके बावजूद हमारे शरीर के लिए यह बहुत लाभदायक है। करेले का जूस शुगर के मरीजों के लिए बहुत मददगार होता है। और बेटा करेले का जूस हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत लाभकारी है। जोड़ों के दर्द में यह बहुत फायदेमंद है और उल्टी दस्त में भी यह कारगर सिद्ध है। ये देखो बेटा हरी मिर्च। क्या है ये? हरी मिर्च। हरी मिर्च सभी सब्जियों को स्वादिष्ट व चटपटा बनाती है ना? हाँ, हरी मिर्च खाने से कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है और इसमें आयरन बढ़ाने में भी बहुत मददगार है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी और अन्य विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां देखो बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है बेटा। हाँ भाई, ये देखो ये क्या है? नींबू। वेरी गुड। क्या है ये? नींबू। नींबू बेटा गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है ना, सभी के घरों में नींबू पानी बनाते हैं। ठीक है ना? हर रोज गर्म पानी में शहद व नींबू डालकर पीने से हमारे शरीर का फैट कम होता है और वजन कम करने में यह सहायक है। नींबू से किडनी की पथरी की समस्या भी दूर हो जाती है। यह शरीर के अंदर पानी की कमी को दूर करता है। देखो ये देखो बेटा, ये है घिया की पत्तियाँ। किसकी पत्तियाँ हैं ये? घिया की पत्तियाँ। घिया खाने से हमारी पाचन क्रिया नियंत्रित रहती है। ठीक है, शुगर के मरीजों के लिए भी यह घिया बहुत मददगार होती है। घिया की सब्जी से खाना जल्दी हजम हो जाता है। ये है बेटा बैंगन। क्या है ये? बैंगन। और इसकी पत्तियां देखो काफ़ी बड़ी हैं और कटावदार हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये हमें खानी चाहिए। ये देखो बेटा, ये छोटा सा पेठा, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। पता है ना पेठा कितना बड़ा होता है? हाँ, पेठे की सब्जी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने में मददगार होता है। और देखो इसके पत्तियाँ काफ़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी है ना इसकी पत्तियाँ। हाँ, पेठा खाने से शुगर का खतरा कम होता है बेटा। और पेठे से मिठाइयाँ भी बनाई जाती है जो हम सभी को बहुत अच्छी लगती है, पसंद होती है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये है घिया की तोरी की पत्तियाँ। ये भी घिया की पत्तियों से मिलती जुलती होती हैं, ये काफ़ी बड़ी होती हैं। तोरी और घिया हमारे बड़े बुजुर्गों को खाना बहुत पसंद होती है क्योंकि यह खाने को जल्दी से हजम करती है। ठीक है बच्चों, आज बगीचे की सैर और मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगली वीडियो तक सभी बच्चों को मेरा नमस्ते और बाय बाय।